तो ये हमने अपने कबूतरों को अभी दाना दे दिया है, काफ़ी भूखे थे। बाहर छत पे भी देखें, अब सारे कबूतर वेट कर रहे हैं, तो मैं इनको छत नीचे बुला लेता हूँ। 8 से 10 अंडे दिए इसको, दो दो तीन तीन करके, बट ये अंडे ख़राब कर देगी। आपकी आवाज़ सुनिए कितनी प्यारे लग रही है आवाज़। ये मेल है, बट ये 2 फीमेल आई थी। मैं इसमें एक कबूतर है, उसके एक पैर ही नहीं है, वो आपको जल्दी वीडियोज़ में आपको दिखाऊँगा। ये देखें आप, अभी यहाँ नेट जोड़ा, आप देख सकते हैं, जो कि एक अंडे ख़राब कर दिए। बहुत प्यारे प्यारे बर्ड्स हैं इसमें, एक्चुअली अंडे दे रही है ये भी बर्ड्स, और ख़राब कर दे रही है अंडे। ये हमने अपने कबूतरों को अभी दाना दे दिया है, काफ़ी भूखे थे। और हमारी ये मड्रासी का भी आप देखें सिंगल पट्टा, ये दोनों पट्टा देखें सेम कलर का जो है, 6 महीने से ऊपर का हो लिया, एक अभी ये 2 महीने का पट्टा है कि जो बीच वाला वो 6 महीने से ऊपर हो लिया। दोनों एक एक बच्चे ही निकले थे। ये हमारे ये वाली जोड़े का, ये सामने जो बैठी है ब्लैक, तो गाइस आप देखिए इधर बाहर छत पे भी जंगली कबूतर सभी आके दाना खा रहे हैं। और हमारे बहुत सारे कबूतर की वीडियोस आपको जंगली का। तो हे गाइस, वेलकम टू KF7 क्रू। गाइस वीडियोस अच्छी लगती हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें गाइस। और ऐसी ही वीडियोस में कबूतर की लेके आता रहता हूँ आपके लिए। देख सकते हैं नीचे वाले अब हमारे छोटे मास्टर केज में, ये हमने 4 सेक्शन का हमने न्यू बनाया फ्रेश मास्टर केज, जिसमें अभी हमने नॉर्मली बर्ड्स रखे हैं। इसमें थोड़े बहुत और भी काम रह गए हैं, वो आपको जल्दी वीडियोस में आपको दिखाऊंगा। ये देखिए आप, अभी यहाँ नेट डालने बाकी रह गए हैं। आप एक देखिए वाइट चूड़ीदार, और हमारी ये सियाल कोटी सिजानपुरी भी कह सकते हैं इसको, आप देख सकते हैं मिक्स है ये। और आप देखिए कितना कम्फर्टेबल है ये, वाइट चूड़ीदार है, ज़बरदस्त, बिल्कुल इसके गंजे तक बाल है ये। और नीचे में आपका हमारे मड्रासी का जोड़ा, अब देखें आप, ये मेरा मड्रासी का ये पट्टा है जी, जो काफ़ी फ्री होके बैठा है जी। और ये मड्रासी, ये मेल है जी मड्रासी। तो ये हमारा मड्रासी काफ़ी एक्टिव है अभी भी। तो ठीक है, वेलकम टू KF7 क्रू गाइस। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया। अगर गाइज आप मड्रासी का जोड़ा आप देख सकते हैं, जो कि एक अंडे ख़राब कर दिए, एक चूज़ा निकला, ये ऑलमोस्ट 1.5 महीने का हो गया। तो ऐसे ही मड्रासी कबूतर हमारी वीडियोज़ में हमेशा आपको मिलता होगा। तो मड्रासी कबूतर की वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और इसका हमने रख रखे हैं अंडे के लिए, बट ये बहुत गंदा हो गया, इसको क्लीन करना है। और ये मेरे फिंचेस देखें आप, बहुत प्यारे प्यारे बर्ड्स हैं इसमें, एक्चुअली अंडे दे रही है ये भी बर्ड्स, और ख़राब कर दे रही है अंडे। तो अंडे के लिए हमने सेटअप ये बनाया था बर्ड्स के लिए, कि इसमें अंडे दे रही है, इसमें अंडे दे रही थी, बट अंडे पता नहीं क्यों ख़राब कर दे रही है, समझ में नहीं आ रहा। 8 से 10 अंडे दिए इसको, दो दो तीन तीन करके, बट ये अंडे ख़राब कर दे रही है। आपकी आवाज़ सुनिए कितनी प्यारी लग रही है आवाज़। ये मेल है, बट ये 2 फीमेल है थी। अब देखिए कितना प्यारा है बिल्कुल। बाकी हमने इनको पानी इसमें और इसके दाने इसमें डालता हूँ, ताकि ये कंफर्टेबल तरीके से खा सके। अब देखिए एक्चुअली इनको भी मैं इस वाले हिस्से में शिफ्ट करने वाला हूँ, एक सेक्शन में इनको शिफ्ट करूँगा ऊपर या नीचे के साइड में, या फिर ऊपर में मैं डायमंड डॉग रखने वाला हूँ। ये पीजेंस नीचे शिफ्ट कर दूँगा, ऊपर में डायमंड डॉग डालने की प्लानिंग है कि। तो अभी बर्ड्स को देखें आप, फिलहाल तो बड़ा सा है कि। तो भाई अगर जिस भी भाई को पता है कि इनको क्या सेटअप रखे, कैसे रखा जाए, जो ये अंडे बच्चे निकाल सके, इसलिए अंडे ख़राब ना करें। मैंने तो इनके लिए घोंसले का रेडी ये किया था, बट मैं बहुत जल्दी इसके लिए लकड़ का बनाने वाला हूँ, जो प्लाई के होते हैं उन उसमें बनाने वाला हूँ इनके लिए। वैसे अभी तो थोड़े ठीक भी हो गए हैं, और मैं आपको छत पे दिखा पाऊँ तो काफ़ी सारे कबूतर छत पे भी आ गए, हम देख सकते हैं गाइस। आप कैसे उतर के सारे कबूतर खाने लग रहे हैं।
गाइस हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें गाइस। ऐसे ही कबूतर की वीडियोस मैं हमेशा लेके आता रहता हूँ। और गाइस रिक्वेस्ट है आपसे कि हमेशा अपनी छतों पे ऐसी ही कबूतर के लिए दाने डाल दिया करें। ये कबूतर के आप पंजे देखें, एक बिल्कुल कटा हुआ है, एक ही पंजा से वो अपना दाना उठा रहा है। देख सकते हैं गाइस ये सारे कबूतर। मैं इसमें एक कबूतर है, उसके एक पैर ही नहीं है, बिल्कुल ही पंजे के साथ बिल्कुल पैर खत्म हो रखा है। वो कबूतर मेरे को दिख नहीं रही है किस साइड आएगी। तो फिलहाल आप देखिए छत पे जंगली कबूतर के भीड़ भी लगी हुई है। तो ऐसे जंगली कबूतर हमेशा ही आते रहते हैं, तो मैं अपनी वीडियोस में भी ऐसे लेके आता रहता हूँ जंगली कबूतरों की, कि बहुत ज़्यादा जंगली कबूतर है। तो ये जंगली कबूतर के साथ में हमारी कबूतर की वीडियोस आप देखें। ये मेरा मद्रासी का एक सिंगल फीमेल मेल पैर हैगी, ये आप देखिए इसके शौक करें आप। मद्रासी कबूतर इतना ज़बरदस्त है कि हमारा ये इसका दो था एक्चुअली, एक बिल्ली ने मार दिया फीमेल को, मेल हमारे पास अवेलेबल है। और छत पे आप देखिए सारे कबूतर दाना खा के कैसे फ्री हो जाते हैं। इस साइड पूरे लाइन से कबूतर बैठे हुए हैं छत पे बिल्कुल ही। एक कबूतर नहीं दिखी मुझे, फिर उड़ के चली गई। तो गाइस आप देख सकते हैं कितने कबूतर है जंगली कबूतर। तो इस तरीके से जंगली कबूतर हमेशा ही छत पे आते हैं। जब बारिश होती है तो काफ़ी ज़्यादा जंगली कबूतर छत पे पहुँचते हैं, बट आज भी बहुत कबूतर है कि जो और ऊपर बैठे हैं। मैं वीडियो ऊपर दिखा नहीं सकता कि छत के साइड में बैठी है, वो नीचे उतरे नहीं है, लेकिन अभी भी छत पे बहुत सारे कबूतर हैं कि देखिए आप। गाइस ये कबूतर एक है जिसके पैर में रिंग डले हुए हैं, तो ये जंगली कबूतर नहीं लग रही है मुझे, ऐसा लग रहा है जी बिल्कुल ये जंगली कबूतर नहीं है, ये किसी का पालतू कबूतर है। अब देखें इसके राइट साइड वाले, लेफ्ट साइड वाले रिंग में आप देखिए किसके रिंग डले हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये कबूतर वो है, काफ़ी वीक लग रही है, बिल्कुल सूखी हुई जैसे लग रही है। उसके आइज भी वाइट में हैं, वो नॉर्मल जंगली कबूतर के ऐसा भी नहीं है कि। तो मैं एक बार और कोशिश करता हूँ, शायद नीचे आ जाए वो। देखिए तो आप इनको देखें किस साइड चली गई कबूतर, मेरे को दिखाई नहीं दी फिर से, जिसके पैर में रिंग थे। ये रही जिसके पैर में रिंग थे। मैं इसको ट्राई करता हूँ कि शायद पकड़ पाऊँ इसको, लेकिन मुश्किल होगा पकड़ना इसको। सारे कबूतर जंगली के साथ वो एक्टिव है बिल्कुल ही, है काफ़ी वीक है बट। जंगली कबूतर के साथ अपनी मास्टर केज वाली हमारी कबूतर की वीडियोस भी आप देख सकते हैं। मेरी वो हाई फ्लाइट वाली कबूतर है शहजानपुरी, वो देखिए वो अंडे हमेशा ही बार बार खराब कर दे रही है गाइस। इसका क्या सीन है मेरे को नहीं पता, बट ये अंडे बहुत ज़्यादा खराब कर रही है और हर बार ही अंडे खराब कर दे रही है। इसका क्या सीन है समझ में मुझे भी नहीं आ रहा कि अंडे खराब क्यों कर रही है। और मेरे लिए इसको देखिए आप, मद्रासी को सिंगल वो कितने एक्टिव दिख रही है मुझे। तो ये मेरे हाई
मेरे जो लकवे में है ये काफ़ी टाइम हो गया लकवे से ठीक नहीं हो गया। सहजानपुरी के साथ में ये इसका ऐड है कि तो ये ठीक भी नहीं हो रही, काफ़ी लंबा टाइम हो गया। मैं देखता हूँ इसका क्या करना है। और देखिए ब्राउन कबूतर देखिए पानी पी रही है, इसको भी मैं सेल आउट करने वाला हूँ। इसमें 5-6 कबूतर जो है मैं सेल आउट करने वाला हूँ, सेल कर दूँगा कबूतर को। बोले तो हमने लॉफ्ट में इतनी जगह हो नहीं पा रही, और मेरे मिक्स हाई फ्लेयर के साथ नॉर्मल कबूतर मिक्स के मिक्स अगर रहते हैं तो वो उसमें उड़ाना भी बड़ा मुश्किल होता है, उनकी उड़ान भी ख़राब हो जाती है। तो इनमें से बहुत सारे कबूतर को मैं अभी सेल करने वाला हूँ, तो जल्दी वीडियोज़ आने आएगी कि मैं किस किस कबूतर को सेल करने वाला हूँ। तो मेरे वो मद्रासी को कि इधर आराम से बैठा है कि तो गाइस हमारी वीडियोस को लास्ट में लाइक कर दिया करें गाइस, और वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें गाइस। ऐसे ही हमेशा वीडियोस में कबूतर के लाते रहता हूँ, और भी बहुत सारे मेरे पास बर्ड्स हैं उनकी बर्ड्स की भी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो मैं अभी जावा फिंचेस लेके आने वाला हूँ, जो हमारे नीचे में जावा के छोटे नस्ल जो होते हैं वो फिंचेस नीचे में भी हैगी मेरे पे, तो उसको भी अभी दिखाने वाला हूँ आपको जल्दी वीडियोस में। आप मेरे को ये मद्रासी का एक्चुअली मद्रासी का मिक्स है कि ये प्योर मद्रासी नहीं है, हमने एक देसी और मद्रासी का ऐड किया था तो उसका एक ये चूज़ा निकला। तो आप देख सकते हैं चूज़े को एक्टिव है। और मेरी ये वाइट वाली कबूतर शायद इसके साथ ये जोड़ा ऐड हो गई है, बट इसके साथ रखने नहीं हमने, इसको भी ले जाने नीचे में। और वो देखिए एक सामने में अंडे देकर सहजानपुरी कबूतर, और फिर से इसके साथ ऐड, फिर से इसके साथ आ गई है। मतलब वो अंडे, इसमें अंडे जिसमें पहले बैठे हुए इसमें भी अंडे थे, इसमें भी अंडे देके इसने छोड़ दिया, अंडे भी सेव ही नहीं है। तो इसके अंडे भी बार बार ख़राब हो रहे हैं, इसका क्या सीन है मेरे को नहीं पता कि अंडे क्यों ख़राब कर रही है ये। अब देखिए अंडे ख़राब होके पड़ा हुआ है इधर, और ये फिर दूसरे वाले जगह पे बैठ गए अंडे के लिए। तो ये क्या सीन है इनका समझ में नहीं आता मेरे को, अंडे क्यों ख़राब कर रही है ये। अगर गाइस पता हो जिस भाई को तो हमें ज़रूर बताएं कि इसका अंडे का प्रॉब्लम क्या है, अंडे क्यों ख़राब कर रही है कबूतर। और इस पट्टे को देखो, पट्टा भी फुल एक्टिव है कि। और ये वाली मेरी जोड़ी जो है मद्रासी का जो मिक्स वाला आया था, जो इसका सीन पता नहीं कि मेल ना फीमेल है, मेरे को अब तक क्लियर पता नहीं चल रहा। और हमारे उस साइड देखें मद्रासी फिर से जोड़ देके अंडे देने वाली है। फिलहाल अब सारे कबूतर फ्री होके बैठे हैं। तो गाइस ऐसी ही वीडियोस के साथ हमें हमारी वीडियोस को वॉच करते रह करें, लाइक करते रह करें हमारे वीडियोस को, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर लाजमी कर दिया करें गाइस। आप देख सकते हैं कितने फ्री होके बैठ गए, एक्चुअली भूखे काफ़ी थे, जब दाना दिया तो खाना खाने के, ये दाना उठाने के बाद ये कम्फर्टेबल हो गए। तो गाइस मैं अभी बहुत सारे बर्ड्स ऐड करने वाला हूँ अपने लॉफ्ट में। डायमंड डव लेके आने वाला हूँ, डायमंड डव भी हमारे थे वो मर गए, तो डायमंड डव फिर से लेके आने वाला हूँ। तो सो गाइस मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियोस में, तो तब तक अपने कबूतरों को और अपना ख्याल रखें। बाय।